रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें। आपको पता है कि लैंग्वेज जब सीखते हैं तो उसके लिए वोकैबुलरी या ज़खीरा अल्फाज का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम कुछ नए अल्फाज सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें ग्रामर नहीं आती तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़खीरा अल्फाज के बगैर तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो पहली टिप ये है कि रोज़ का एक लफ्ज़ सीखें, अपनी कापी पर इसको लिखकर याद करें और अपने दोस्त को इसके स्पेलिंग बताएं। फिर अपनी रूटीन बनाएं कि आपने कुछ वक्त के लिए नए लफ्ज़ सीखने हैं, उनको याद करना है। और फिर पढ़ने की आदत डालें, अपने कोर्स के अलावा छोटी छोटी बुक्स पढ़ें, उससे आपके फहम में इजाफा होगा। उसके अलावा फ्लैश कार्ड बनाएं और उसकी तस्वीरें उस वर्ड की लगाएं। तो आज हम लर्निंग न्यू ब्लेंड्स, नए कुछ ब्लेंड्स सीखेंगे, जैसे बी आर, सी आर और डी आर। दिस इज अ सेंटेंस, द ब्राइड इज वेयरिंग अ ब्राइट रेड ड्रेस। अब देखें कि ब्राइट, ब्राइड दुल्हन को कहते हैं, ब्राइट शोक को कहते हैं, रेड ड्रेस लाल लिबास पहना हुआ है। अब आप ये देखें कि ये क्या चीज़ है, शाबाश, इसकी रोज आप सुबह नाश्ते में ये खाते होंगे, ये है ब्रेड। तो ब्रेड के स्पेलिंग है ब्रेड, रोटी को कहते हैं। और ये क्या है, ये है ब्रश, ब्रश। तो ये ब्रश के स्पेलिंग है, आप इनको लिख के याद करें, और उर्दू में भी ब्रश को ब्रश कहते हैं। और ये क्या है, ये एक चूड़ी है या कड़ा है, और इसको इंग्लिश में ब्रेसलेट कहते हैं, ब्रेसलेट। बर अ, यहाँ पे सी और ई सीन की आवाज़ निकालता है, ब्रेसलेट। और ये क्या है, हर घर में होता है, इसको इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं, ब्रूम जो है उर्दू में झाड़ू है, ब्रूम। बर उ म, ब्रूम। इसमें कॉन्सोनेंट वॉवल्स जो हैं वो दो हैं, डबल ओ। अब आपने ये तस्वीरें देखनी है, ये इनके स्पेलिंग्स कंप्लीट करने हैं, अपनी कॉपी पे लें और जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं उनके आगे आपने बर लगाना है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और उसके बाद आप देखें कि आपने सही स्पेलिंग्स लिखे हैं, जैसे ब्रांच, ब्रूम, ब्राइड, ब्रिक, ब्रेक, ब्रिज और ब्रश। ब्रूम झाड़ू, ब्राइड दुल्हन, ब्रिक ईंट, ब्रेक टूटना, ब्रिज पुल को कहते हैं, ब्रश इज ब्रश एंड ब्रांच शाख। द क्रो सिट्स ऑन द क्रोकोडाइल टू ईट द क्रम्स। यहाँ पे हम क्रम्स, क्रोकोडाइल और क्रो, क्रोकोडाइल मकरमच्छ होता है, क्रम्स टुकड़े, और कौवा क्रो को कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, शाबाश, इसको तस्वीर को देखें, इसका नाम बताएं, इसको कहते हैं क्रैब, क्रैब, कर अब, क्रैब। क्रैब उर्दू में केकड़ा होता है, क्रैब। अब ये क्या है, ये किस चीज की फसल है, गंदुम की फसल है। तो जो जमीन में फसलें उगती हैं उनको कहते हैं क्रॉप, क्रॉप, कर अप, क्रॉप, क्रॉप कहते हैं फसल को। और ये क्या है, ये है क्राउन, कर ओन, क्राउन, क्राउन कहते हैं ताज को। तो उम्मीद है आपने इसके स्पेलिंग लिख लिए होंगे, क्राउन, क्राउन। अब आपने ये छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, ये सी आर पहले लगा के स्पेलिंग्स कंप्लीट करने हैं, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना है। अपनी नोटबुक में सारे स्पेलिंग लिखें और उसके बाद इसका जवाब चेक करें। तो ये है क्रिब, क्रैश, क्रियोन, क्रैक, क्रैब, क्राउन और क्रैकर। तो अब हम डी आर करेंगे, द ड्राइवर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द टैप। तो ड्राइवर और ड्रिंक्स, ड्राइवर पानी पीता है, नलके से पानी पीता है। तो अब आप ये देखें कि जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो हम उन्हें सूखने के लिए हवा में लटकाते हैं, तो इसको कहते हैं ड्राई, ड्राई। खुश्क होने को कहते हैं ड्राई। और फिर ये क्या है आगे, शाबाश, ये है ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ अ वाटर, ड्रॉप, डर अ प, ड्रॉप। तो अब आपने इसके स्पेलिंग सही से लिखने हैं, ड्रॉप और ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। ये क्या है, ये बंदा पानी में डूब रहा है, डूबने को कहते हैं ड्राउन। जब आप किसी किनाल या किसी डैम पे जाएं तो जब तक लाइफ गार्ड ना हो आप उसमें मत तैरें, क्योंकि डूबने का खतरा होता है।
ड्राउन अपनी जिंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। तो अब ये डी आर वर्ड्स हैं, इनके ये डी आर लगा के बाकी इनके स्पेलिंग कंप्लीट करें। यहाँ पे वीडियो को रोकें, अपने होम अपनी कॉपी पे ये लिखें और उसके बाद चेक करें। शाबाश, ये है ड्राई, ड्रिंक, ड्रेस, ड्रीम, ड्रॉप, ड्रैगन और ड्रम। तो प्यारे बच्चों, हमें अपनी सोच तब्दील करनी है, बजाय इसके कि आप देखें कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना चाहिए अल्लाह क्या सोचेगा। हम अपनी सोच तब्दील कर लेंगे तो हमारी दुनिया तब्दील हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह को जाने, अल्लाह को पहचाने एक अल्लाह वाहिद हस्ती है जो 24 घंटे के एक एक सेकंड में हमारे पास है, और अल्लाह को जानने का एक ही जरिया है कि आप अल्लाह की किताब को तर्जमे से पढ़ें। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।